नमस्कार, मैं हूँ सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। पटना में मिले 2 कोरोना संक्रमित रोगियों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है, जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चलेगा कि इन मरीजों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। वहीं पीएमसीएच के प्राचार्य विद्यापति चौधरी ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्थाएं पहले से सुरक्षित हैं, ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर को कहा गया है कि वह मरीज से मिले तो मास्क पहनकर ही मिले, उसकी पूरी तरह से जांच करें। जैसे कि पटना में पहले भी काफ़ी कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और इस बार फिर से मिलना शुरू हो गए हैं। 2 कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं पाए गए हैं। ऐसे में ये कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, ये अभी बताया जाना मुश्किल है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि विद्यापति चौधरी का क्या कुछ कहना है। तो आपको ज्ञात होगा कि ये हम लोग को VC के माध्यम से SES महोदय ने भी अलर्ट किया है। खास करके हमारा पटना मेडिकल कॉलेज जो है, इसके लिए पूर्णतः तैयार है। हमारे वार्ड तैयार हो गए हैं, हमारे ऑक्सीजन भी तैयार हो गए हैं। जो ऑक्सीजन में जो थोड़ी बहुत कमी थी उसको दूर कर लिया गया है। अधीक्षक इसके लिए लगे हुए हैं और साथ ही साथ हम लोग ने अपने जो क्लिनिकल साइड के विभागाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि आप जो भी सर्दी खांसी बुखार के ऐसे लक्षण वाले मरीज आते हैं उनका अवश्य जांच करने के लिए भेजें, क्योंकि मेरा माइक्रोबायोलॉजी विभाग इसके लिए तैयार है। वहाँ सभी तरह का किट उपलब्ध है और सरकार का जैसा निर्देश है कि आपको अब जाँच बढ़ाना है, तो इसके संदर्भ में मेरा यही कहना है कि मेरा माइक्रो बायोलॉजी विभाग भी एकदम तैयार है और जो भी सैंपल आएगा उसका तुरंत जांच होगा और हम लोग उसको रिपोर्ट देंगे। PMC में डॉक्टरों को भी अलर्ट रहने के लिए बोला गया है, कर्मचारी भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। चूँकि मैंने उन लोगों को इससे सामना करना पड़ता है, मरीज जो भी सर्दी खांसी बुखार के आते हैं, चूँकि यहाँ पर एक मरीजों का भीड़ रहता है, इसलिए अपना बचाव भी करना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है कि आप भी मास्क में रहें, साथ ही साथ आप हैंड सैनिटाइज करें और अपने लोगों को भीड़ भाड़ में नहीं रहने दें और कोशिश करें कि हमारे जो मरीज आ रहे हैं अंदर दिखाने के लिए आउटडोर में या इमरजेंसी में, उनको बारी बारी से बुलावें और थोड़ा दूरी मेंटेन करते हुए उनका इलाज करें और इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सर, कितना प्रभावी है JN.1? अभी जो मैंने बात सामने आई है JN.1, तो ये ओमिक्रॉन की तरह ही है, परंतु इसको माना जा रहा था कि थोड़ा सा इसका एग्रेसिवनेस थोड़ा ज़्यादा है, परंतु उसका लक्षण और इसकी ये जो है हार्म करने का जो ये है वो बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं आया, इसलिए अभी हम लोग को अलर्ट रहना है और सजग रहना है।